गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं सोनिया करनाल। आज हम क्लास सिक्स का टॉपिक है जो हमारा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हमने आज करना है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड कम्युनिटी प्रोटेस्ट। तो इसमें अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करे। हमने किया कल किया था हमने एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ किया था हमने, ठीक है। तो आज हमने करना है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और कम्युनिटी प्रोटेस्ट। हमने दो टॉपिक पढ़े, एक तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा हमने, एक पढ़े हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल में हमने पढ़ा विलेजेस से लिंक, विलेजेस में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, जैसे पुलिस का डिपार्टमेंट है, पटवारी का डिपार्टमेंट है, तहसीलदार का डिपार्टमेंट है, ठीक है। वैसे ही एक है अर्बन, अर्बन में आते हैं हम आप करते हैं सिटीज़ को डिस्कस करते हैं कि सिटीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की है, ठीक है। अब लैंड के डिस्प्यूट्स कौन देखता है और हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं, स्कूल्स वगैरह, उनको कौन देखता है, तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हमारा आज का टॉपिक है उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ड्यूटीज़ क्या होती हैं और क्या होता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई एटसेट्रा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्या ड्यूटी होती है, उनकी ड्यूटी होती है कि वो स्ट्रीट लाइट्स को, जो सड़कों की जो रोशनी होती है, जो साइड पर लगी होती है लाइटें, उनको देखते हैं। कूड़ा वगैरह तो नहीं है सड़क पर, कोई कचरा वगैरह तो नहीं गिरा हुआ है। वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई किस सिटी में आ रही है कि नहीं आ रही, ये सब देखना होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट एपिडेमिक्स सच एज मलेरिया, डेंगू एटसेट्रा, ठीक है। जितने एपिडेमिक्स में बीमारियां फैलती हैं, जैसे आजकल फैल रही है कोरोना वायरस, पता है बच्चों को, इसकी वजह से हमारे स्कूल भी नहीं खुल पा रहे हैं, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो जा रही है, कहीं कोई जा नहीं सकता है, कोई खुली हवा में सांस नहीं ले सकता है। तो इस चीज़ के बारे में अवेयर कौन करता है, हमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले करते हैं कि कौन सी बीमारी आने वाली है और किस बीमारी में क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। टीचिस पीपल अबाउट प्रिवेंटिव, ठीक है, प्रिवेंटिव टीचिस पीपल अबाउट प्रिवेंटिव कि किस बीमारी से लड़ने के लिए, किस बीमारी को से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये बताता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। मेजर्स टू अवॉइड डिजीजेस, ठीक है, कि कैसे बीमारी को दूर रखना है। रन स्कूल्स हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, स्कूल्स को चलाते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं और डिस्पेंसरीज खोलते हैं, ये सब देखते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। आगे आपका आता है कम्युनिटी प्रोटेस्ट। वार्ड कम्युनिटी कैन सबमिट इट्स पिटीशन टू द वार्ड काउंसिलर, ठीक। वार्ड कम्युनिटी को के मेंबर्स को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू है, तो वो किसको अपना पिटीशन देते हैं, वार्ड काउंसिलर को लिखित रूप में देते हैं। कलेक्टिव एक्शन टेक्स इज बाय द वार्ड इंजीनियर एंड वार्ड काउंसिल, ठीक है। फिर उनके खिलाफ जो एक्शन कौन लेता है, वार्ड इंजीनियर लेते हैं और वार्ड काउंसिलर वाले जो लेते हैं, ठीक है। वार्ड कम्युनिटी के बंदे, कई लोगों ने तो अपनी पिटीशन दे दी और उनको सॉल्व करने के लिए एक्शन कौन लेता है, वार्ड इंजीनियर या वार्ड काउंसिल। पिटीशंस आर फॉरवर्डेड टू द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस, फिर जो उनकी पिटीशन होती है, जो उनका लिखित रूप में जो उनका बयान होता है, जो उनकी प्रॉब्लम होती है, वो किसको भेजी आगे फॉरवर्ड की जाती है, कॉरपोरेशन ऑफिस में। फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सॉल्व द इशू, फिर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है। ये पूरी वो है प्रोसेस है कि जो वार्ड कम्युनिटी है वो अपनी जो पिटीशन है, अपना जो लिखित रूप में जो उनकी प्रॉब्लम होती है, वो देते हैं वार्ड काउंसिलर को। वार्ड काउंसिलर आगे उनको देता है, किसको देता है, वो इंजीनियर, वार्ड इंजीनियर या वार्ड काउंसिल को। वार्ड काउंसिल जो है वो देता है उनकी पिटीशन को, तक कहाँ देते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले उस इशू को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये हो गया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। तो प्लीज़ बच्चों, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और आपके जो सिक्स की कॉपी है उस पर आप इसको नोट करिएगा। थैंक यू।